भाई मेरे साथ एक सीन हो गया है। मैंने दिए थे कपड़े अपने धुलवाने के लिए सैटरडे को रात को, तो भैया थे जो लॉन्ड्री वाले हैं, उन्होंने बोला कि भैया आपको कपड़े संडे को नहीं मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे। और मैंने सारे कपड़े धोने के लिए दे दिए थे, क्योंकि मैं जम्मू से आया था तो कपड़े वपड़े गंदे थे सारे, तो मैंने दे दिए धोने के लिए। और भाई कल हो गई बारिश और वो आए नहीं, और आज मेरे को कॉलेज जाना था और मेरे पास कपड़े ही नहीं है, तो इसकी वजह से मैं कॉलेज ही नहीं जा पा रहा आज, क्योंकि मैं लिटरली कोई कपड़े हैं ही नहीं है, बस एक ही शर्ट बची है, शर्ट पहन के सोया हूँ मैं रात को, तो ऐसी हालत हो गई थी। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और भाई पीछे अपनी चल रही है एडिटिंग, कॉलेज आज जाना था, वैसे भी एक ही क्लास थी तो फिर कपड़े भी नहीं थे, मैंने कहा भाई चल नहीं जाते हैं। और पीछे देखो भाई इतनी गर्मी हो रही है दिल्ली में, NCR में सबको पता है कितनी गर्मी है, बट फिर भी भाई साहब देखो पीछे, ये देखो कंबल लेके पड़े हैं, अलग ही शौक है भाई। ज़्यादा नशे वशे करेंगे ना तो ऐसे ही होगा, आदमी का दिमाग चलना बंद हो जाता है जब जो नशे करता है। तो भाई अभी एडिटिंग करता हूँ, एडिटिंग करने के बाद पानी भी नहीं आ रहा वॉशरूम में, बहुत सारी परेशानी है, क्या क्या बताऊँ। तो मैं सुबह सुबह कहोगे तुम भाई परेशानी कर दिखाने के लिए व्लॉग बनाते हो क्या, हम तुम लोग सोचते होगे भाई हम व्लॉग देखें कुछ ये सोच के ही, कुछ पॉजिटिव चीज़ दिखाएं, कुछ अच्छी चीज़ दिखाएं, बट मैं यहाँ दिखाने लग जाता हूँ भाई पानी नहीं आ रहा, कपड़े धुले हुए नहीं हैं, कभी वो पेशेंट बन जाता है और कभी ये कंबल लेके सो रहा है। कोई बात नहीं, देखो सारी चीज़ दिखानी पड़ती है ना, मैं तो देखो रियल दिखाता हूँ सारी चीज़ ना, फेक कुछ करने का अपना सिस्टम है नहीं। पर अभी पता नहीं मैं व्लॉग बनाते कब बैठ रहा हूँ, चल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो फटाफट व्लॉग एडिट करता हूँ पिछले वाला, क्योंकि वो भी अपलोड करना है। टाइमिंग भी बहुत यार आगे पीछे हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ना फिक्स टाइमिंग रखूँगा, उसी टाइम पर व्लॉग आया करेंगे। व्लॉग डेली तो आता है बट फिक्स टाइमिंग में होनी ज़रूरी है, तो व्लॉग एडिट करते हैं। तो भाई अपनी वीडियो होगी एडिट और रेंडरिंग पर लगा दिए, और मौसम भाई आज फिर से एक नंबर का हो गया है, बिल्कुल रोमांटिक मौसम है भाई, ये देखो इतने अच्छे मौसम में भाई साहब हमारे सो रहे हैं। भाई मेरे को कुछ सोच समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ यार, व्लॉग भी एडिट कर लिया और कुछ काम भी नहीं है, अभी कुछ क्लासेस वगैरह भी ढंग से शुरू नहीं हुई हैं, तो कुछ ऐसा काम भी नहीं है, क्या करें। अभी बातें कर लेते तुम्हारे से, और सुनाओ क्या हाल चाल है तुम्हारे, ठीक हो? व्लॉग पे भाई कमेंट वगैरह नहीं करते हो तुम, क्या चक्कर है, कोई परेशानी है, समस्या है, क्या हो गया? कमेंट कर लिया करो, बातचीत कर लिया करो, बातचीत करने से वो होता है स्ट्रेस कम होता है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं बातचीत करने से ना। और भाई अपने पास कपड़े भी नहीं हैं आज, तो एक ही शर्ट बची हुई है, इसको मैंने रखा हुआ है, जैसे ही बाहर निकलूँगा तब पहनूँगा वरना गंदी हो जाएगी। तो यार मेरे को रूम टूर भी देना था मगर मैं दे नहीं पा रहा, क्योंकि फ़ाइनल नहीं हो पा रहा भाई कौन सा रूम है अपना। ये अभी जो फ़िलहाल जो करंट रूम है ये तो भाई रूम तो सही है, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ी कुछ इशूज़ हैं, अगर पीछे देखोगे तो व्यू एक नंबर का आता है, यहाँ से सारी चीज़ ठीक है, बट थोड़ा वेंटिलेशन की दिक्कत है यहाँ पर, मतलब हवा नहीं आती, क्योंकि सामने भी स्ट्रक्चर है ना, इधर भी और इधर भी, ऊपर से तो खुला है बट यहाँ से है, उसकी वजह से वेंटिलेशन नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई एक अभी अभी बैड न्यूज़ आई है, आज हमारी ना सिर्फ एक ही क्लास थी, तो इसकी वजह से भी मैंने सोचा कि भाई क्लास नहीं जाते हैं, अंकुश भी नहीं गया, ये भी सोता रहा कि भाई चल एक क्लास है, एक क्लास तो छोड़ ही सकते हैं, बाकी पूरा दिन फिर हमें आना जाना पड़ता, इतनी दूर किराया वगैरह खर्च करते कोई फ़ायदा नहीं था। बट अभी अभी पता चला है कितने बजे, 1:30 बजे के 2 बजे से एक और क्लास है, ये इन्होंने बस अभी शेड्यूल करी है। भाई मजाक चल रहा है, मतलब यहाँ टीचर ही प्रोफेशनल नहीं है, फैकल्टीज ही प्रोफेशनल नहीं है, तो स्टूडेंट क्या ही होगा भाई, क्या ही एक्सपेक्ट करोगे तुम स्टूडेंट से, यही सोच बदलनी है इस देश की ना मेरे को। और बच्चे भाई भाई पूरा दिन चला गया, कुछ नहीं किया, सुबह से नहाया भी नहीं हूँ अभी तक ना, और आधा दिन ख़त्म हो गया, आधा दिन क्या 3 बज गए, ख़त्म ही हो गया दिन, अब तो रात ही बची है, समझ भी नहीं आ रहा क्या लेना है क्या नहीं लेके जाना। भाई तुम भी कन्फ्यूज़ हो जाते हो क्या जब वॉशरूम वगैरह जाना हो, घर में तो नहीं होता बंदा कन्फ्यूज़, सारी चीज़ें वहीं होती हैं, मगर यहाँ पर कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है, दिमाग में नहीं आ रहा क्या लेके जाना है, आउट हो गया माइंड ना। एक तो चीज़ें ऐसी ऐसी होती रहती हैं, कुछ कुछ क्लास में कुछ कुछ सीन चलता रहता है, टीचर वीचर के क्या बोले क्या लेके जाना है मेरे को। ठीक है भाई जो ले लिया वो सही है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई अपना सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, हॉस्टल में ना एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि भाई दिन का तो पता ही नहीं चलता कैसे कहाँ चला गया, और रात भी रात का पता चलता है लेकिन रात में सो नहीं पाता बंदा, ये सबसे बड़ी दिक्कत है हॉस्टल की। भाई अभी नहा लेता हूँ मैं, सुबह से एक काम तो कर लूँ अच्छा अच्छा प्रोडक्टिव, वैसे ऐसी बात नहीं है मैंने अच्छा काम नहीं किया, मैंने भाई वीडियो अपलोड भी कर दी है और क्या किया है, और एक रील भी बना दी है एक अच्छी सी क्या भाई उसके ऊपर बनाई है अंकिता जो है, ये सोशल वर्क भाई करना बहुत ज़रूरी है, अगर कुछ भी गलत होता है ना सोसाइटी में तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी कि हम उसके सपोर्ट में या उसको ठीक कैसे किया जाए इन चीज़ों पर बोलें, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे तो भाई कौन बोलेगा। तो अभी नहा लेते हैं, कोई इंटरेस्टेड है तो आ जाओ वरना फिर मैं अकेला जा रहा हूँ। चलोगे? चलो आ जाओ, आ जाओ आज साथ में नहाते चलो। ओके ऑल सेट रेडी, और रेडी तो क्या भाई क्या ही रेडी होंगे, कपड़े नहीं है अपने पास कैसे होंगे रेडी। भाई सारे कपड़े दिए हुए लॉन्ड्री वाले को, एक सिंगल कपड़ा नहीं है, एक शर्ट बची थी ये भी अब हो गई है, ये तो गंदी से भी ज़्यादा गंदी हो गई है समझ लो, 2 दिन से पहन रहा हूँ, क्या करें भाई। घर की याद आ जाती है जब ऐसी सिचुएशन आती है ना हॉस्टल में, हर कोई हर किसी को जो भी हॉस्टल में रहता है ना कोई एक ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब घर की याद आ जाती है,
तो भाई लॉन्ड्री वाले का वेट करेंगे, वरना शाम तक तो ऐसे नंगा पंगा ही रहना पड़ेगा। तो भाई नहा धो के मैं सो गया था, जिस चीज़ से सुबह से अपने आपको बचा रहा था ना कि भाई मैं सोऊंगा, क्योंकि मेरे को पता था सोऊंगा तो जो दिन थोड़ा बहुत है ना वो सारा ख़त्म हो जाएगा। और नहाया मैं, और भाई नहाने के बाद क्या नींद आई है, और पीछे भाई ये तो सो ही रहा है, तब से सो रहा है, मतलब दुनिया इधर से उधर हो गई, एक चीज़ चेंज नहीं हुआ है इसका सोना, तब से सो रहा है भाई। और भाई सुबह से कुछ नहीं खाया यार अभी तक, टाइम बज गए 6 और सुबह से देख लो अभी तक कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया मैंने, और इसने तो मेरे को लगता पानी भी नहीं पिया। तो भाई अभी भाई अभी उठते हैं, देखते हैं कुछ खाने का जुगाड़ बन गया। तो भाई सुबह से जिस पल का मेरे को इंतज़ार था ना वो फाइनली आ गया, खाना खाने का। सुबह से भाई कुछ नहीं खाया, लिटरली कुछ नहीं खाया, फास्ट रख लिया। इसके पास गया हूँ शाम को 4 बजे के, चलो भाई कुछ खाना खाने चलते हैं, ये कह रहे लाइट बंद कर दे, इसको लग रहा था कि सुबह के 4 बज रहे हैं। और एक इसको बोला एक दो बार, इस भाई साहब को बोला 2-3 बार कि खाना खाने चले, भाई इसको मैंने बोला 3-4 बार आज दिन में खाना खाने चल रहे, सुबह से कुछ नहीं खा, पूरा फास्ट रखवा दिया भाई। ऐसी फीलिंग आ रही थी आज की, मैं थोड़ी देर में फुटपाथ पर जाने वाला था मांगने। तो भाई फाइनली अब वो टाइम आ गया जब खाना खाना है, खाना खा के सीधा खाना खाने का टाइम आ गया। सुबह से वेट कर रहे हैं खाना खाने का, कुछ नहीं खाया सबको बता रहा हूँ, यही नहीं पता क्यों दिन में नहीं खाया कुछ भी यार, सुबह क्या वो 2 वैरायटी तो खाए। अबे झूठा है भाई, मम्मी क्या कर रहा है, 2 वैरायटी भाई मैं मम्मी कसम मैं भूल गया था, मेरे को ये लग रहा था नहीं एडिट कर देते, नहीं नहीं भाई जो है वो डालूं मैं, एडिट क्या करना है। तो भाई शिट यार, तभी मैं सोच रहा था ऐसे पूरा दिन मैंने कैसे निकाल लिया, मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली पूरा दिन भूखा रहना। बट और वैसे मेरे को ना किसी का इंतजार है इस मेस के टेबल पे, किसी का इंतजार है, चलो खाना खा लेते हैं फटाफट ना, फिर वरना खाना नहीं खाया जाएगा। बाय, लव यू। भाई खाना खाने के बाद अभी हम जा रहे हैं मेडिकल स्टोर, इस पेशेंट लोग आप डिस्कस करने वाले कि कैसे क्या चीज हो रही है। तो अभी हमारे साथ जो राहुल जा रहा है, क्या डिस्कस करने वाले, तो हम दिखाएंगे क्या करना है, इसको मेडिसिन लेके आनी है, ठीक है भाई, इसके लिए मेडिसिन हम तो ओ हाय मेरा भी ब्लॉग चल रहा है, मेरे को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है, किसके चैनल में आओ, मैं भी करना कुछ नहीं है, हेलो गाइस वेलकम टू आनी भाई, ये भैया ये जो है ना इसको फेक वीडियो अकाउंट भी है, हम मेरे लिए आना, ठीक है, असली वाला हम कर रहे हैं भाई, मैं तो हम वो ये क्या नाम है, मेरी तरक्की तो चल रहा है, मेरे सब्सक्राइबर हो गए ना 400 मेरे भाई 359 है, हो जाएंगे अच्छे से, मेरे को कोई वो ना कर ले जाए, किडनैप ना कर ले भाई मेरी तरक्की देख के कोई अंकुश, आज मेरे को तेरी असलियत पता लगी, जलता है ना भाई मेरी तरक्की बहुत ज्यादा जलता भाई, बहुत ज्यादा भाई, हम तो पेशेंट अटेंड कर रहे हैं, कल इस पूरा चैनल मेरे नाम पे चढ़ रहा है, मेरी आधार क्यों हो रही है, मेरा हो रहा है, मतलब मैं चला गया तो कुछ नहीं बचेगा इसका, हर किसी के सक्सेस के पीछे कोई होता है ना, मेरे सक्सेस के पीछे ये है, ऐसे ऐसा ये बोल रहा है, अगर ऐसा है तो कमेंट कर देना, कमेंट करके अपनी राय जरूर देना, ठीक है। और पेशेंट संभाल रहे हैं, कल ये पेशेंट बना हुआ था, आज ये पेशेंट बनी हुई है, अब मेरे को अपना डर लग रहा है कहीं मेरा नंबर ना आ जाए भाई, और बीमारियां बड़ी बड़ी हो रही हैं, वो वाली समझ जाओ तुम, नेक्स्ट लेवल, नहीं गंदी बीमारियां भाई, गंदी बीमारियां हो रही हैं भाई, ट्रैफिक दिल्ली में एक बात बताऊँ, गुड़गांव में ज़्यादा ट्रैफिक है, दिल्ली में कम ट्रैफिक है, SPA के बाहर तो ट्रैफिक ही नहीं है, सुना मैंने यहाँ से मोबाइल छीन के ले जाते हैं, तो फिर मैं व्लॉग एडिट कैसे करूँगा, व्लॉग बनाऊँगा कैसे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मेडिकल स्टोर, दवाई ले आते हैं युवा के लिए, क्योंकि युवा बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है, तो सभी वो करना, युवा के लिए प्रे करना कि युवा की आत्मा को शांति मिले, ठीक है। धागा खरीदने बाहर ना मात्र कितने रुपए का, 10 रुपए का धागा है, और हमारे पास कैश नहीं है, यही समस्या आज के देश की ना, यही सोच बदलनी है मेरे को इस देश की, एक भाई ये बदल कॉन्शियस हो रहा हूँ मैं आगे पीछे कैमरे से, अंकल को मैंने बोला अंकल जी भी थोड़ी देर में दे जाता हूँ 10 रुपए, मगर अंकल ना मान, अंकल जी विश्वास कर लो, ये होगा विश्वास तो ले लियो, कहीं और बतेरे मिल जाए, तेरा एक ही टास्क है इस देश का, सोच बदलना है, ले जा मैं ऐसे ही, क्या कह रहे हो अंकल जी, ऐसे ही ले जा मैं है, फिर आते, अरे हम तो इस कॉलेज के बच्चे हैं, हां कहीं के भी, इतनी फीस दे रहे हैं हम आपके 10 रुपए का धागा लेके थोड़ी भगेंगे, अजी अंकल जी हां तो बहुत बहुत भाग जा भाई, बहुत टॉक्सिक हो रहे हैं अंकल, बहुत टॉक्सिक है भाई, क्या करें आप 10 रुपए लेके आते हैं, लेके आ रहे हैं अंकल जी 10 रुपए, कितनी देर तक हो ये तो बता दो, दो एक घंटे, अंकल इज गेटिंग वेरी टॉक्सिक। एक चीज क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, चलो छोड़ो रहने देता हूँ, घर वाले भी तो देखते हैं व्लॉग, कैसे क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं पूछ नहीं पाता ना, क्योंकि घर वाले व्लॉग्स देखते हैं, ठीक है। सो गाइज उसके लिए मैं हाँ यही अच्छी चीज़ है, लेकिन यार ऐसा नहीं है, गलत नहीं करना चाहिए ना, वरना मेरे पापा किसी को बुला लेंगे ट्रांसलेटर को, ये ट्रांसलेट करके बताओ, सॉरी डैड आई कैन नॉट रिवील व्हाटएवर आई वांट टू से। So actually
सो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे और हम व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो करना कुछ नहीं है आपको। इंग्लिश में मैं बोल दूँ, अंकल इज एक्चुअली लुकिंग। वापिस आ गया हूँ मैं, 10 रुपए का नोट लेके आया हूँ। अब एक बात बताता हूँ, ये नोट ना थोड़ा सा फट रहा है, अब मैं देखता हूँ अंकल का क्या रिएक्शन है। थोड़ा सा फट रहा है, देखा मैं थोड़ा सा, इतने पे भी एक रिएक्शन दे सकते हैं, टॉक्सिक है, लेट्स सी क्या होता है। ये लो अंकल जी धागा दे दो, ये लो पैसे, ऑफिशियली दे रहा हूँ पैसे आपको, ठीक है भाई। सरप्राइजिंगली अंकल ने कुछ नहीं बोला, सीधे ले लिए 10 रुपए और ये आ गया अपना काला धागा। और ये मैं लेके क्यों आया ये और बता देता हूँ तुम्हें। एक्चुअली मेरी मम्मी को ना काला जादू आता है, तो मेरी मम्मी ने एक मेरे को वो बताया टोटका, सब्सक्राइबर बढ़ाने का टोटका। तो अब जैसे मैं ये धागा पहन लूँगा ना, तो फिर भाई मेरे उतने हो जाएंगे 1 मिलियन सब्सक्राइबर का बोला था मम्मी ने, 1 मिलियन नहीं तो 10-20 हज़ार तो हो ही जाएंगे। काला जादू आता है मेरी मम्मी को, मजाक कर रहा हूँ भाई, कहीं मेरी मम्मी के बारे में तुम गलत सोचो, कुछ नहीं पता भाई मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी को तो खाना भी बनाना नहीं आता अच्छे से, ऐसा कुछ नहीं भाई, मेरी मम्मी परफेक्ट मम्मी है, जैसी मम्मी होती है सबकी मम्मी परफेक्ट होती है भाई। ये है हमारे हॉस्टल की भूत वाली गली, किसी को भी अगर भूत देखने हो तो सीधा आ जाओ यहाँ की, मैं लोकेशन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टैग कर दूंगा। ये देखो सामने से आ रहे हैं दो लोग, अब इनको पता नहीं भाई यहाँ पे आत्माएं होती हैं, आत्माओं का साया है भाई यहाँ पे। आज का तो दिन ही कुछ अजीब है, अजीब क्या है मतलब अच्छा नहीं है यार, कुछ भी एक अपने हिसाब से हो ही नहीं रहा। क्लासेस हो जाती हैं, छुट्टी करते हैं तो एक्स्ट्रा क्लास हो जाती है आज के दिन, अटेंडेंस की दिक्कत। अभी सोचा था क्रिकेट खेलेंगे, पीछे देख लो क्या चल रहा है, क्या कर रहा है। और दूसरा भाई क्रिकेट खेलने वाले बंदे भी यहाँ पे कम ही है मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब हमारे जो पीजी है ना मास्टर्स वाले वही हैं क्रिकेट खेलने वाले, और ये यूजी वाले हैं ये भाई फुटबॉल वुटबॉल और चीज़ें खेलते रहते हैं। चेंज हो गई हैं ना अब चीज़ें, पहले लोग क्रिकेट के ज़्यादा शौकीन होते थे, बट अब ऐसा सीन नहीं है मेरे को ऐसा लगा यहाँ आके। भाई अभी चाहते हैं कुछ खा पी के आते हैं, क्योंकि खाना जब मैं खा रहा था ना तो आज मेरे दिमाग में और चीज़ें चल रही हैं। आ गया हमारा लेट नाइट डिनर, मोमोज आइस टी, और ये अभी क्या कह रहा था कुछ नहीं खाऊंगा मैं, मोमोज लेके आया पता क्या बोल रहा है, आइस टी और ले आई हूँ। पर नहीं पहले मैंने पूछा भाई मोमोज हाफ प्लेट ले लूँ खाएगा, कह नहीं फुल ले ले, फिर लेके आया तो कह रहा आइस टी और लेके आया, आइस टी के साथ खाऊंगा। और अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ऐसे मोमोज का कोई मज़ा नहीं है, तीखे हैं, आइस टी और समथिंग लाइक नो चिल स्टफ। भाई अंग्रेज चले गए, इस अंग्रेज को छोड़ गए भाई, लेकिन मोमोज बहुत अच्छे, कभी आओ ना एसपी में, यहाँ पे मोमोज जरूर खाना ना नेस्कैफे पे आके। भाई ये देख लो ड्रैगन की प्रजाति आ गई है अटैक करने वाले रूम में, और भाई गलती से विंडो खुली छोड़ दिया मैंने, और आज की रात पता नहीं क्या ही करेगी हमारे साथ। भाई जिसको इस चिपकली से डर लगता है वो कमेंट कर देना कि हाँ भाई हमें डर लगता है मेरी तरह। वैसे मैं बचपन में था ना मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था छिपकली से, मैं वॉशरूम में भी जाता था थोड़ा जाता, पता नहीं क्या हो गया, बोलने की प्रैक्टिस ही ख़त्म हो गई है, हकलाने लग गया हूँ मैं, एक बैलेंस भी ख़राब हो रहा है। एक वीडियो थी मेरी जिसमें, एक वीडियो है मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस के नाम पे जिसमें मैं हकलाता हूँ, कहाँ से भाई यहाँ से ड्रैगन आने वाला है अंदर, बोलने नहीं देते भाई, व्लॉगिंग करने दे यार मेरे को, खुद तो पड़ा रहता सारा दिन, दिन में भी सोता रहता भाई, रात को भी सोता रहता, इसके दो ही काम है, या सो लो या रील दिखा लो, अब अगर इसको नींद नहीं आएगी ना थोड़ी देर में रील देखने लग जाएगा। तो भाई ठीक है फिर मैं भी ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग नहीं करने दे रहा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, अगला ब्लॉग एडिट करना है मेरे को, रात के 1 बज गए हैं, और फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय, टाटा।